everyone, I'm Geeta Verma and welcome to our channel, Your PDI Job Updates and Preparation. Employment news को cover करते हैं हम every Sunday 7 PM पर. तो जो भी first time watch कर रहे हैं, subscribe कर सकते हैं इस channel को, because every Sunday 7 PM पर employment news को cover किया जाएगा. देखिए, employment newspaper weekly newspaper है, जिसमें बहुत सारी job opportunities के बारे में information मिलती है. इसीलिए Your PDI Job Updates and Preparation पर हम cover करते हैं employment news, ताकि जितनी भी vacancies out की गई हैं उन्हें मैक्सिमम कवर किया जा सके. तो 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में जो ये न्यूज़पेपर आउट हुआ है उसे कवर करेंगे आज के हम इस वीडियो में. बताना चाहूंगी जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू ऑडियंस है हमारी, उन्हें कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम जो मेनली कवर करेंगे वो हम जॉब नोटिफिकेशंस को यहाँ पर कवर करेंगे. प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स हैं, जॉब एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि आउट की गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो उन्हें यहाँ पर कवर किया जाएगा. यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइटेड है वेरियस पोजीशंस के लिए. 15th जो फरवरी है वो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. DSSSB की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं. सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, पर्सनल असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट्स की वैकेंसीज हैं. 8th फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. REC की तरफ से वैकेंसीज वेरियस पोजीशंस आउट की गई हैं. 9th फरवरी लास्ट डेट है. देखिए, REC के रिगार्डिंग, UPSC के रिगार्डिंग, DSSSB के रिगार्डिंग, NCL के रिगार्डिंग हमारी प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियोस हैं, उन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारे चैनल योर पीडीए जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर. यहाँ पर NCL की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं असिस्टेंट फोरमैन की, जिसे हमने कवर किया था हमारी जॉब नोटिफिकेशन चैनल पर. 5th फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. देखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब भी कोई एडवर्टीजमेंट होती है किसी भी न्यूज़पेपर में, आपको जहाँ पर वेरियस पोस्ट देखने के लिए मिल जाए, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा फुल नोटिफिकेशन को, बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर कवर की गई हैं, ताकि हमें उससे ये इन्फॉर्मेशन मिले कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसीज और कितनी वैकेंसीज आउट की गई हैं और क्या यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी. तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो हम एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं, जॉब एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं, उनमें भी हमें यही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है. अब नेफिट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं. सीनियर एनालिस्ट की वैकेंसीज हैं, रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज आउट की गई हैं, मल्टीपल पोस्ट है एंड यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 2 फरवरी तक. सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, FDI की तरफ से यहाँ पर आउट किया गया है एंगेजमेंट ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए. सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, रिक्रूटमेंट आउट है एंड पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स में आउट की गई हैं, गो थ्रू कर सकते हैं नोटिफिकेशन को. देखिए, ये नोटिफिकेशंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपको पता लग रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए. तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलेंगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, लेकिन यस, सभी को यहाँ पर जो भी लगती है कि पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर गो थ्रू कीजिएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए. अब यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं. डायरेक्टर की पोजीशंस यहाँ पर आउट की गई हैं, कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये जनरल आर्टिकल्स हैं वो कवर किए गए हैं. ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर कॉरिगेंडम है वो आउट किया गया है. सिर्फ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड थी यहाँ पर और सीनियर ऑफिसर की पोजीशंस थी, उसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे. अब यहाँ पर कॉरिगेंडम आउट किया गया है उस पोजीशन के रिगार्डिंग. तो कॉरिगेंडम जैसी चीजें, एडमिशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में. अब यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं. स्पेशलिस्ट ग्रेड की पोजीशंस हैं यहाँ पर, मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी. स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 में ही वैकेंसीज आउट की गई हैं. साइंटिस्ट बी की भी वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जरूर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फुल जो नोटिफिकेशन है उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा. देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उसके में अगर करियर ऑप्शन पर या फिर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन भी मिलेंगी. नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डायरेक्टर की वैकेंसीज आउट हैं, फाइनेंस में वैकेंसीज आउट है, यूपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं या फाइनल रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. नेशनल डिफेंस अकेडमी की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, चाहे स्टेनोग्राफर की पोजीशन हो, फायरमैन की हो, कुक की हो, क्लर्क की वैकेंसीज हो. तो यहाँ पर 198 वैकेंसीज टोटल आउट की गई हैं. कर सकते हैं कैंडिडेट्स इन पोजीशंस के लिए अप्लाई. एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, कुछ वैकेंसीज होती है जिनकी काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ की बहुत ही ब्रीफ एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आपको लगता है कि कुछ वैकेंसीज हैं आपके लिए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिपार्टमेंट को सर्च कर सकते हैं,
सकते हैं, ये ग्रुप सी की वैकेंसीज को सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं, आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो NCL की तरफ से यहाँ पर शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो यहाँ पर आउट किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई इन पोजिशंस के लिए। काफ़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस हैं, डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है 5 February है, गो थ्रू कर सकते हैं। NPTI की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, कंसल्टेंट की है, मार्केटिंग हेड की है, एक्सपर्ट की वैकेंसीज है, 9 February लास्ट डेट है। टीचिंग एसोसिएट की 2 vacancies आउट की गई हैं, इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 10 February तक। टीचिंग पोजिशंस आउट की हुई हैं एंड 5 February यहाँ पर लास्ट डेट रहेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कैंसिलेशन नोटिस या फिर कोरिगेंडम या फिर एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन के लिए, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। सो यहाँ पर वेटरनरी ऑफिसर की वैकेंसीज है, उसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर की पोजीशंस हैं वो आउट की गई हैं यहाँ पर। जॉब ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है या फिर एडवर्टीजमेंट आप बोल सकते हैं, वो आउट किया गया है। एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हिंदी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो आउट की गई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है एंड नेशनल म्यूजियम में सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी की वैकेंसीज को आउट किया गया है। सो एडवर्टीजमेंट को जब देख रहे हैं लास्ट डेट पर फोकस कीजिएगा एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट डिटेल्स है उस पर आप फोकस कीजिएगा। सो यू नो कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट है या फिर कौन कौन सी पोजीशंस हैं, उन्हें गो थ्रू करना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस वीडियो को गो थ्रू करते हुए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, इनकी तरफ से वैकेंसीज, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर्स की वैकेंसीज यहाँ पर हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसीज यहाँ पर है, फुल डिटेल्स है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। आर्मी लॉ कॉलेज की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कर सकते हैं, फुल टाइम पोस्ट है यहाँ पर जो कि आउट है। नेक्स्ट हम बात करें तो रिसर्च फेलो की वैकेंसीज हैं, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो देखिए कभी कभी तो PhD पोजीशंस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में, कोरिगेंडम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी आप क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं आप एट दी एंड जॉब के लिए ही कर रहे हैं। तो जब आपको नोटिफिकेशंस का पता लगता है, डिपार्टमेंट्स का पता लगता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल टाइप्स की वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं। सो प्रिंसिपल डिजाइनर्स की वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं, इनके लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट से कभी भी ये क्लियर नहीं होता कि जो भी वैकेंसीज आउट हुई हैं क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप गो थ्रू कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को। बस यहाँ पर आपको ये पता चल सकता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करें, नोटिफिकेशन को चेक करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशंस नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि वैकेंसी से रिलेटेड यहां पर आउट की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है आपका कि आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें एंड देन यू डिसाइड कि आपको अप्लाई करना है नहीं। अब यहां पर PGT TGTs की वैकेंसी आउट की गई हैं, रिटन टेस्ट इंटरव्यूज यहां पर रहेंगे, तो आपको किसी भी वैकेंसी में लगे कि इंटरव्यूज है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद योर पीडिया। अब यहां पर वैकेंसीज आउट गई है, इसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं कैंडिडेट्स। सो वैकेंसीज पे मेनली आपको फोकस करना है कि जनरल मैनेजर की पोजीशंस आउट की गई हैं, बिजनेस मैनेजर की वैकेंसीज हैं, उनकी वैकेंसीज आउट की गई हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर इट। अब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर आउट की गई हैं, इसके रिगार्डिंग जो नोटिस है कंप्लीटली वो प्रोवाइड किया गया, कैंडिडेट्स गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये है नोटिफिकेशन, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई है इस वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस है वो बहुत ज्यादा है, रिटन एग्जाम है, प्रॉपर क्राइटेरिया है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एक या दो वैकेंसीज है जिसकी फुल नोटिफिकेशन आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है एडवर्टीजमेंट्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जॉब से रिलेटेड जो कि हम कवर करते हैं। सो मल्टीपल पोजीशंस हैं आउट है जो कि अटेंडेंट की वैकेंसीज आउट है, इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 10 vacancies आउट की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिक्रूटमेंट की, 300 असिस्टेंट्स की वैकेंसीज आउट की गई हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं 5 February तक अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। 37,000 तक का जो सैलरी पैकेज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल डिटेल्स हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ माइंस की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट की गई हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, सो
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोजीशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सो चीफ इंस्ट्रक्टर की, सीनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं, जूनियर रिसर्च फेलो की यहाँ पर पोजीशन आउट की गई है, इसके लिए कर सकते हैं कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को गो थ्रू करना, सो एवरी संडे 7 PM पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को गो थ्रू जरूर कीजिएगा विद योर पीडिया एजुकेशन, एंड यहाँ पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। सो फुल नोटिफिकेशन है ये कवर किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। वैकेंसीज की बात करें, मल्टीपल क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई। साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ड्राफ्ट्समैन की है, हैवी व्हीकल मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, इसे हमने कवर किया था। ये जो वैकेंसीज हैं इसरो SC की तरफ से आउट की गई हैं। फुल नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना है, गो थ्रू कर सकते हैं हमारे चैनल पर, वीडियो वहां पर अवेलेबल है। ये कॉरिकेंडम है जो कि आउट किया गया है। टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसीज है, इसे आउट किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो एडवर्टीजमेंट आउट है फॉर द पोस्ट ऑफ गार्डनर, कैंडिडेट्स कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। अलाहाबाद म्यूजियम में वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है, इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज देखने के लिए मिलेंगे, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, जरूर फिल आउट कीजिएगा इंक्वायरी फॉर्म। अब क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रॉपर स्नैप इंटरव्यू स्टूडेंट्स लगाते हैं, मॉक लगाते हैं, ताकि कैसे एक्चुअल इंटरव्यू में परफॉर्म करना होगा उसकी प्रैक्टिस हो सके, कंटेंट की प्रैक्टिस की जाती है। अब जूनियर रिसर्च फेलो की, फील्ड वर्कर की वैकेंसीज है, तो जो ये वैकेंसीज आउट हो रही है इसके लिए इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब REC लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, मैनेजर की पोजीशंस हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अब हमें रिसेंटली इंक्वायरी आई थी कि मैम मैनेजर की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है REC में, सो कैसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो देखिए बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं क्यों, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉपरली प्रिपरेशन करके ही वो इन पोजीशंस के लिए जा सकते हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ पर है पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, काफी सारी वैकेंसीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को, तो जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कर सकते हैं विद योर पीडिया एजुकेशन। ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कुछ जो जॉब्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट लगती हैं वो उनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। HCIL की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कर सकते हैं PGT पोजीशंस के लिए अप्लाई। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसीज आउट की गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट है, प्रिंसिपल की पोजीशंस के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, रजिस्ट्रार की, ऑफिसर की, असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट की गई हैं, मैनेजर की, लो एसोसिएट की पोजीशंस हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर लीगल एडवाइजर्स की वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो आप चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको हर तरीके की वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। स्कूल में वैकेंसीज आउट हुई हैं, कंपनीज में वैकेंसीज आउट हुई हैं, इंजीनियर की है, मैनेजर की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, मल्टीपल वैकेंसीज है जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू नोटिफाई द कैंडिडेट्स, टू नोटिफाई द स्टूडेंट्स की किस तरीके की वैकेंसीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आउट की गई हैं। टीचिंग पोजीशंस हैं, कर सकते हैं अप्लाई इसके लिए भी आप। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसीज हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर गेम आपके पास थी तो मल्टीपल वैकेंसीज होती हैं जो कि आउट की जाती हैं, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इवन यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन ही है जो कि प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो जो पोस्ट है यहाँ पर एडवाइजर की वैकेंसीज हैं, इसके लिए कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई जो भी इंटरेस्टेड हैं। एंड मैनेजर्स की पोजीशंस आउट की गई हैं, प्रिंसिपल की पोजीशंस आउट की गई हैं, पर्सनल असिस्टेंट की हैं। क्वालिफिकेशन देखिए गो थ्रू कीजिएगा, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्या लास्ट डेट है, कौन एलिजिबल है, इन ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि देखने के लिए आपको मिलेंगी। अब मैनेजर की, असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, फाइनेंस में भी हैं, तो HR में भी हैं, तो चाहे MBA किया है, ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जरूर अप्लाई कीजिएगा इन वैकेंसीज के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज आउट की गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को आउट किया गया है, साइंटिस्ट सी की वैकेंसीज को आउट किया गया है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट है, प्रिंसिपल की वैकेंसीज को आउट किया गया है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। सो आप देख सकते हैं खुद ही कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने टाइप की वैकेंसीज हैं, टीचिंग पोजीशंस हों, चाहे इंजीनियरिंग पोजीशंस हों, साइंटिस्ट की वैकेंसीज हों, अकाउंटेंट की हो, क्लर्क की हो, स्टेनोग्राफर की, या फिर हिंदी ट्रांसलेटर की, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि आउट की जाती हैं।
है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, ग्रेजुएशन की है, पर्टिकुलर डिसिप्लिन से हैं, ITI है, डिप्लोमा है, मास्टर्स है, कर सकते हैं वेरियस पोजिशंस के लिए आप अप्लाई। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं, कॉन्स्टेबल की पोजीशंस हैं, स्पोर्ट्स कोटा में नेक्स्ट है ये वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, कर सकते हैं इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कंप्लीटली। देखिए फुल डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, मेन फोकस आपको करना है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या लास्ट डेट है, सब चीज़ें। अब जहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू कीजिए, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन ही प्रोवाइड की गई है आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं या फिर आप रीप्ले भी कर सकते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यस कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज को आउट किया गया है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज को आउट किया गया है, इसके लिए कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो CSIR की तरफ से वैकेंसीज हैं, इसके लिए कैंडिडेट्स गो थ्रू कर सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें तो साइंटिस्ट की, इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, इसके लिए कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया मीटअप करते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पर आउट की गई हैं, सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं, इंजीनियर की वैकेंसीज है, अब देखिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में फैकल्टीज की पोजीशंस आउट की गई हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं चाहे टीचिंग पोजीशंस में हैं, इंजीनियरिंग पोजीशंस में, अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए। सो ये लास्ट पेज है अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का, सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसीज हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं टेक द स्क्रीनशॉट, जो भी वैकेंसी आपको पसंद आती हैं अप्लाई कीजिए फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योर पीडिया एजुकेशन को, ये लास्ट पेज है। All the best for the application. Thank you.